महंगाई का सवाल। हमारे देश में महंगाई हर रोज नया आसमान छू रही है। इस बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के जीवन को हिला कर रख दिया है। आजादी के बाद से आज पहली बार ऐसा हुआ कि अब लोगों को आटा से लेकर अस्पतालों के कमरे, स्याही, दाह संस्कार और आम आदमी की जरूरत की हर चीजों पर 5% से लेकर 18% तक टैक्स देना होगा। सरकार दाल, दही, लस्सी, चावल सभी पर टैक्स लगा रही है। यहाँ तक कि अब लोगों को अपनी बचत खाते से पैसे निकालने पर भी टैक्स देना होगा। इस बेतहाशा कर वृद्धि से आम लोगों का जीविकोपार्जन और बर्बाद हो जाएगा। पहले से ही देश में लगभग 19 करोड़ लोग हर रात खाली पेट सोने को मजबूर हैं और देश में 5 साल से कम उम्र के हर दिन लगभग 4500 बच्चे भूख और कुपोषण के कारण मर रहे हैं। अकेले भूख के कारण हर साल 3 लाख से अधिक बच्चों की मौतें हो रही हैं, जबकि देश हित में असली कदम यह होता कि गरीबों को महंगाई से राहत दिलाने का प्रयास किया जाता और जिनके पास अधिक धन दौलत है उनसे टैक्स की वसूली की जाती। सरकार का यह कदम देश में भुखमरी, कुपोषण और गरीबी को बढ़ावा देगा और लोगों को आटा चावल के लिए तरसा देगा। उपरोक्त विकट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस फैसले पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद मैडम।